तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम रॉबिन। तो चलिए, जो प्रीवियस बातें कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने इथाइल क्लोराइड का जैसा कि मैंने एक सबस्ट्रेट इथाइल क्लोराइड के रूप में लिया, और वहां पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि उसके क्लोरीन पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। ठीक है, अब ऐसे ही होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। धीरे धीरे आप सीखते चलोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई सबस्ट्रेट की बात। अब सबस्ट्रेट का मैं एक ब्रीफ दे दिया। अब जैसे जैसे चैप्टर जैसे अल्केन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां वहां मैं यही चीज को रिकॉल करूंगा कि देखो फ्रेंड्स, यहां मैंने सबस्ट्रेट अल्केन को लिया, अल्किन जब पढ़ेंगे तो अल्किन को लिया, हेलोजन है तो हेलोजन डेरिवेटिव्स को लिया। तो वहां यही यही बेसिक्स को मैं एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, तो ये सब बात को आप बस ध्यान में रखते चलो। अब अगला जो हो जाता है रिएजेंट हो जाता है। अब रिएजेंट में कॉमन रिएजेंट हम क्या ले सकते हैं? रिएजेंट हो गया। अब इसमें कॉमन रिएजेंट है, जैसा कि आप जानते हो रिएजेंट में आप ऑर्गेनिक स्पीसीज भी ले सकते हो। इसमें कॉमन रिएजेंट जो होता है वो होता है HCl हो गया, फिर HBr हो गया, फिर Cl2 हो गया, फिर Br2 हो गया, फिर I2 हो गया, फिर H2SO4 हो गया। ये सब क्या है? ETC। यस, इसी तरह के बहुत सारे रिएजेंट हैं। वो जब इंडिविजुअल रिएक्शन से पढ़ेंगे तो उसी अनुसार ये टर्म और क्लियर होता जाएगा। तो मेन सब्सट्रेट था, और उसके बाद रिएजेंट में, अब रिएजेंट जो है उसी अनुसार होता है, मतलब सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग ही हम रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अब यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। चलिए हेडिंग डालिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टॉपिक शुरू करने से मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेसिकली होता क्या है, पूरे रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही गेम है। कभी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ही बस मूवमेंट है। बस पूरा समझ जाइए ब्रीफ में कि इलेक्ट्रॉन का ही बस गेम है पूरे रिएक्शन में। ठीक है, अब चलिए हेडिंग डालते हैं। नया टॉपिक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखिए, जैसे अब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन में ही इलेक्ट्रॉन ही वही वही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर मूव करेगा, उसी का इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ गेम रहता है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, इस इफेक्ट को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। अभी लिखिए आप लोग कि इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट इफेक्ट ऑकरिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब जैसा कि आप डेफिनेशन ही पढ़ोगे, बहुत सिंपल है, आपको भी समझ में आ जाए कि वैसा ही इफेक्ट जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा। इथाइल क्लोराइड में हमने देखा कि वहां पे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो वहां भी क्या हुआ, आखिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, उस बॉन्ड से क्लोरीन की तरफ आया ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, तो वहां भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हुआ, तभी चेंजेस आया। तो वो सारा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, अब इसका दो टाइप्स होता है। ठीक है, चलिए हम उसके टाइप्स को देखते हैं। तो चलिए, अभी जो मैं लिखते जा रहा हूं उस चीज को नोट करते चलिए, फिर मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। चलिए, यहां पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है,
अब यहीं से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह का होता है। एक हो जाता है आपका परमानेंट इफेक्ट। देखिए आप ऐसे भी परमानेंट इफेक्ट जो है, ऐसे भी आप वॉट से देखोगे, इससे क्या क्लियर होता है कि ये परमानेंट इफेक्ट यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता होगा तो ये परमानेंट है, यानी ये सब में मिलेगा आपको, ये परमानेंट है यानी ये कंडीशनल नहीं है, यानी सिचुएशन कैसा भी रहे, कैसा भी हम रिएजेंट डालें उससे हमको कोई फर्क नहीं है इसको, इसके अंदर जो भी इफेक्ट आएंगे वो सब में मौजूद, मतलब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया परमानेंट इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट। अभी मैं समझाता हूँ पोलराइजेशन इफेक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है। अब यहां से फिर एक और कैटेगरी बनता है, ये क्या होता है, ये हो जाता है परमानेंट इफेक्ट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट। और इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है। अब मैं ये भी समझाऊंगा पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट क्या होता है, अभी मैं जो लिखते जा रहा हूं अभी आप नोट करो, फिर एक-एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये चार टुकड़ों, चार पार्ट इसका भी हो जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो इसमें पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस। ये जितना आप देख रहे हो ना, जितना भी मैं टाइप लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, अगर एक एक टाइप को आप समझ लिए ना तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल क्या बोले, मतलब इंजॉय करने लगोगे, आप खुद फील करोगे जब मैं एक एक चीज को एकदम बिल्कुल आपको इतना इजी वे में प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप इंजॉय करने लगोगे ऑर्गेनिक को। तीसरा जो इफेक्ट हो जाता है इसके अंदर वो हो जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसके अंदर जो अंतिम आ जाता है वो हो जाता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब ये इधर आ जाइए, इसमें इतना ही पार्ट पढ़ना है। अब इधर आ जाइए टेम्पोररी इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि ये सिचुएशनल होगा, इसमें ये सब सब्सट्रेट में ही आएगा, तो जैसा रिएजेंट के अकॉर्डिंग ये अपना रूप बदलेगा, ठीक है। ये मतलब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक स्पीसीज में प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसा सिचुएशन मिलेगा वैसा वैसा ये अपने आप को ये एडजस्ट कर लेगा। लेकिन परमानेंट इफेक्ट, ये इफेक्ट आपको सारे में दिखेंगे, इसको कोई मतलब नहीं कि आप रिएजेंट कैसा भी डालो, ठीक है, रिएक्शन में। अब ये जो होता है बेसिकली ये दो टाइप हो जाता है इसमें, एक टाइप आपका हो जाता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और एक और टाइप हो जाता है, ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई, आप इस चीज को नोट कर लो। अब मैं पोलराइजेशन इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट बता देता हूं, बेसिकली ये है क्या। उसके बाद मैं टॉपिक स्पेशल लूंगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करूंगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल कराऊंगा, बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, फिर इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसका कहाँ कहाँ यूज है, फिर तो ये सब ऐसा क्या है, ये सब तो परमानेंट इफेक्ट है, फिर तो रिएक्शन बाय रिएक्शन, बार बार यही चीज को मैं दोहराता रहूंगा। हाँ डियर, हाँ हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, हाँ फ्रेंड्स यहाँ मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, इसी तरह से बातें होते रहेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये दोनों, पोलराइजेशन इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, ठीक है। चलिए मैं एक इसका डेफिनेशन के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सिंपल है ये, आप भी पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आप आने लगेगा। इसमें आप लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक या फिर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट,
इंटर्न मे बी ड्यू टू सर्टेन इफेक्ट्स सम ऑफ विच आर सम ऑफ विच आर परमानेंट परमानेंट एंड द अदर्स आर टेम्पररी दोज इफेक्ट्स विच आर परमानेंट ऑपरेटिंग इन द मॉलिक्यूल नोन एज इसको हम क्या कहेंगे पोलराइजेशन इफेक्ट एंड दोज इफेक्ट्स विच आर ब्रॉड इनटू प्ले बाय अटैकिंग रिएजेंट्स एंड एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट disappears known as polarizability effects. जो मैं लिखा हूं ये बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. इसमें क्या कह रहा है, चलिए एक एक पॉइंट को मैं समझा देता हूं. द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन टर्न मे बी ड्यू टू सर्टेन इफेक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो अपने जगह से एक जगह से दूसरे जगह जो डिस्प्लेस होता है वो किस कारण होता है, कुछ इफेक्ट्स होता है, यानी कुछ इफेक्ट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करता है. जैसा कि हमने देखा इथाइल क्लोराइड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया, तो वही कुछ इफेक्ट्स होता है. कुछ इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट होता है. कुछ इफेक्ट जो परमानेंट होता है, जो अभी मैंने बताया कि परमानेंट होता है, यानी हमेशा वो काम करे, वो कंडीशनल नहीं होता है. तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजिंग इफेक्ट. ठीक है, इट्स अ पोलराइजेशन इफेक्ट. ठीक है, अब जो इफेक्ट, देखिए इसको ऐसे भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. दोज इफेक्ट्स यानी जो ऐसा इफेक्ट विच आर ब्रॉट इनटू प्ले बाय अटैकिंग रिएजेंट्स. वही मैंने कहा ही कि रिएजेंट के आने से, जैसे रिएजेंट मैंने जैसा डाला उसी अनुसार डिसाइड होगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगना चाहिए या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट लगना चाहिए. और जहां एक बार रिएजेंट गायब तो अपने आप उसका जो भी टेम्पररी जो इफेक्ट है, ये दोनों या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्पररी कंडीशनल है. उसको क्या मतलब, जैसे ही रिएजेंट खत्म अकेला सब्सट्रेट बचेगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब मैं नेक्स्ट जब सेशन लूंगा उसमें मैं इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करूंगा. ठीक है, ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन अलॉट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.